अस्सलाम वालेकुम, मैं हुकैफ अहमद, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो बड़ी खास है उन लोगों के लिए जो अपनी फैमिली को कतर में ला के रखना चाहते हैं। फैमिली से मुराद उनकी वाइफ की मैं बात करूँगा फ़िलहाल के लिए, उसी हिसाब से मैं बताऊँगा कि महीने का आपका खर्चा कितना होगा। तो फिर वीडियो में बने रहें, शुरू करते हैं। देखो भैया, सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि बात करेंगे हम रूम कॉस्ट। आप अगर अकेले हैं तो भाई आप बेड स्पेस वाला सिस्टम ले सकते हैं, 300 से 350 के रेंज में आपको मिल जाता है। लेकिन जब बात आएगी फैमिली की तो आपको एक रूम लेना पड़ेगा, और रूम भी अच्छा होना चाहिए कि कम से कम किचन हो, लैट्रिन बाथरूम हो, अपना सेपरेट हो, किसी तीसरे का दखल ना हो। तो अगर आप इस टाइप का देखते हैं तो जो मैंने वकरा में देखा है, जो मैंने पता किया है, मेरी बिल्डिंग में जो रूम अवेलेबल है, जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ उसकी कॉस्ट क्या मैं बता रहा हूँ, जिसमें मैं रहता हूँ उसमें देखिए आपका 1, 2, 3 रूम है, 2 लैट्रिन बाथरूम है, 1 किचन है, और एक आप उसको थोड़ा ड्राइंग रूम मान लें, इतना है। इतने का कॉस्ट जो आया है वो है मंथली आपका 2000 रियाल। तो काफ़ी बेहतरीन है, आप और भी लोगों को ला के उसमें रख सकते हैं। अगर चार लोगों की फैमिली है तो भी आराम से रह सकती है उसमें, लेकिन फ़िलहाल मैं 2 की बात करूँगा, ठीक है। तो 2000 रियाल आपका ये पड़ेगा। वैसे खोजेंगे अगर तलाशेंगे तो 1500 में भी आपको मिल सकता है, बस थोड़ा सा हो सकता है एक रूम का मिल जाए, लेकिन फ़िलहाल मैं बात कर रहा हूँ जो मैंने देखा है, जो मैं पता किया हूँ, जो अच्छे रूम की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो 2000 रियाल में हम ले रहे हैं, ठीक है। तो 2000 रियाल ये कॉस्ट हो गया आपके बेहतरीन रूम का। अब बात करते हैं मेन जो आती है वो आती है खाने की। तो अब खाने की बात करेंगे तो आपका मोटा मोटा लेकर अगर हम चलें तो 2 लोगों का 600 रियाल ये महीने का जाएगा खाना। 600 रियाल ये आपका महीने का खाने का हो गया। तो अब हो गया कितना, 2000 प्लस ये 600, 2600 रियाल ये आपका सिर्फ खाने और रहने का हो गया। अब जाहिर सी बात है आपकी फैमिली आई हुई है तो महीने आप हफ्ते में या 15 दिन पे कहीं ना कहीं तो निकलेंगे ही घूमने के लिए, ये हर कोई करता है भाई, हमसे सब्र नहीं होता हम भी जाते हैं। तो आप कम से कम 200 रियाल आप मान लें महीने का खर्चा घूमने का, ठीक। तो 2600 वो था, 200 ये जोड़ लें आप, 2800 रियाल आपका ये हो गया। अब 2800 रियाल आपका यही हो गया है, प्लस मोटा मोटी आप और चीज़ें मान लें जो होती हैं खर्चों में, वाईफाई का जोड़ लें आप और चीज़ों का जोड़ लें, वाईफाई जोड़ेंगे तो कम से कम आपका 300 प्लस मोबाइल रिचार्ज वार्ज लेकर करीब 400 रियाल आपका मोबाइल रिचार्ज और वाईफाई लेकर पड़ेगा, दोनों लोगों का बता रहा हूँ, ठीक। तो अब आप 3200 रियाल आपका ये हो गया, तो ये तो फिर 3200 रियाल आपका ये डन हो गया है। 3200 रियाल आप ये मान के चलें ये आपका जाएगा अगर आप फैमिली रखते हैं कतर में, ठीक है। बाकी रूम की मैंने बात की है, आप सस्ता भी देख सकते हैं, 1500 रियाल भी मिल जाएगा, लेकिन बस वही है कि जिस तरह से मैंने बताया है कि 2-3 बेडरूम होंगे, ठीक है, और बेहतरीन आपका किचन होगा, 2 लैट्रिन बाथरूम होंगे, वो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो आपको एक रूम मिल जाएगा, एक लैट्रिन किचन बाथरूम मिल जाएगा, 1500 में मिल जाएगा, थोड़ा खोजना पड़ेगा। तो फिलहाल जो मैं बताया वो 3200 रियाल ये आपका आएगा। और अब बात करते हैं आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है अगर आपका 3000 रियाल का खर्चा आ रहा है, 3200-3000 रियाल का खर्चा महीने का आ रहा है, तो भैया आपकी सैलरी फिर होनी चाहिए कम से कम 4000 प्लस, कम से कम 4500 रियाल आपकी सैलरी होगी, तब जाके आपको कुछ अच्छा लगेगा, कुछ आपका बच पाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात आप ज़िंदगी भर कतर में तो रहने वाले हैं नहीं क्योंकि मान लो आपकी वाइफ भी आ जाएंगे, आप उनके साथ में भी रहेंगे, फिर भी आपको कुछ दिन के बाद अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी आपकी फैमिली की याद सताएगी, ठीक है। जैसे मैं कतर में हूँ, हर चीज़ बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब मज़े में है, लेकिन बस वही कि फैमिली, यार फैमिली नहीं है, फैमिली हो तो बात ही अलग है, बस यही चीज़ें हैं। तो अगर आपकी सैलरी कम से कम 4000 प्लस होगी तो ही आप अपनी फैमिली को यहाँ बुलाएं। अगर 4000 के आपके अंदर सैलरी है तो फिर आप मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लुट जाएंगे, और एक ही दो महीने में आपको उनको भेजना पड़ेगा, क्योंकि फिर वही उतना आप कर पाएंगे कि खाएंगे, ठीक है, सो जाएंगे, एक रियाल भी नहीं बचेगा, वही जेब खाली हो जाएगी आपकी। तो कहना मेरा यही है कि फैमिली को तभी बुलाएं जब आपकी सैलरी तगड़ी हो, नहीं तो फिर मत बुलाएं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी।